हाय, मैं राजीव सर। आज आपके लिए कुछ हम नंबर सिस्टम का कुछ फेमस क्वेश्चन लाए हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, एक क्वेश्चन भी आपके लिए यूजफुल होगा। क्लियर है? सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बाबू कि बच्चों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पहला होगा उपहार भेद के केस में। उपहार भेद के केस में तो लिखेगा उपहारों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस वन। अगर दूसरा बोलेगा कि हाथ मिलाने के केस में, ध्यान देना बाबू, हाथ मिलाने के केस में तो ये आएगा हाथ मिलाने की संख्या बराबर n इंटू n माइनस वन बाई टू। बस बाई टू कर देना है। क्वेश्चन आएगा क्या, 10 बच्चे एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगा बाबू? तो कुछ नहीं करना है, हाथ मिलाने की संख्या में तो 10 है, 10 में से एक हटाएंगे तो 9 फार्मूला के अनुसार और बाई टू कर देंगे, करके आएगा तो कितने बार हाथ मिलाएगा तो 45 बार। कितने बार हाथ मिलाएगा तो 45 बार। यही उपहार भेंट करने का केस में होता तो सीधे 10 गुने ही हटा देते तो 90 बार वो एक दूसरे उपहार की संख्या होता है। कितने आता? 90 आता। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे। अब आते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। क्या लिखेंगे बाबू? परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर क्या है? आधारित प्रश्न। जैसे क्या है बाबू, किसी परीक्षा में सही प्रश्न पर 3 अंक और गलत पर 2 अंक काट लिया जाता है और सही पर 3 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है? 3 अंक। तो उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 75 प्रश्न हल करते हैं और उसे 150 अंक नहीं उसे बाबू क्या है उसे 50 अंक नहीं किसको यहाँ कर देते हैं नहीं ठीक है अगर यहाँ पे कर दे 75 अंक प्राप्त होते हैं और उसे हमें बाबू 105 अंक प्राप्त होते हैं। कितना? 105 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या है? बोलेगा कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है तो पहले हमको निकालना है बाबू कितना है गलत की संख्या बराबर। कै गो क्वेश्चन था बाबू? 75। अगर 75 गुने 3 होगा सही होगा तो 75 गुने क्या 3, फिर माइनस कर देना है और उसमें क्या करना है बाबू कि फिर कितना अंक प्राप्त हुआ 105, तो 105 कर देंगे 3 + 2, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 15 और 225 माइनस 105 और बटा में 2 घटा के बाबू आएगा तो यहाँ आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा बाबू 2 और 120 और 2 करके कितना आ जाएगा 60। 60 क्वेश्चन उन्होंने गलत किया तो सही कितना किया होगा? ध्यान देना है 225 में 100 गया तो 115 220 आ गया 120 आ गया कट गया तो गलत की संख्या भी 60 है। गलत की संख्या कितना है बाबू? 60 है। तो सही की संख्या क्या होगा? तो सही की संख्या तो 100 माइनस क्या वो क्वेश्चन था उसने 75 माइनस 60 तो सही की संख्या कितना आएगा 15 क्वेश्चन ठीक से समझिए।
अगर क्वेश्चन बोलेगा कि एक प्रश्न पे चार अंक मिलता है, गलती पर एक अंक काट लिया जाता है, और उन्होंने क्या है 100 क्वेश्चन है और उसको 300 अंक प्राप्त हुआ, तो सही का क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है बाबू, ध्यान देना है कि गलत की संख्या निकालना है, पहले गलत की संख्या निकालना है। तो इसमें गलत क्या वो है, तो 100 गुने पहले लिखना है, क्वेश्चन क्या वो है 100 गुने, कितना अंक का है तो 4 अंक का है, कितना अंक प्राप्त हुआ तो 300 से घटा देंगे, 4 अंक सही पर और गलत पे एक अंक काट दिया जाए तो उसको भी जोड़ देंगे। अब यहाँ हो गया बाबू क्या 400 और 300 घट गया है तो 100 बटा में 5, तो गलत की संख्या क्या है वो हो गया 20 को, तो क्या वो प्रश्न बनाए थे तो सही की संख्या होगा 100 माइनस 20 बराबर कितना 80। थोड़ा भी अच्छा लगा हो इस तरह का तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और अगले सेक्शन को फिर अगले वीडियो बनाने में खूब खुश रहिए। हम चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया दे और कोशिश करते हैं, थक भी जाते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ ना दे तो देते रहेंगे। ठीक है, बाय।